काले धन के खिलाफ पीएम मोदी ने एक और मास्टर स्ट्रोक जड़ा है। विपक्ष के उन निराधार आरोपों पर वार करते हुए मोदी ने बीजेपी के सांसदों और विधायकों को उनके अकाउंट का हिसाब देने को कहा है। प्रधानमंत्री ने पार्टी के विधायकों और सांसदों से कहा है कि वो 8 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच बैंक अकाउंट स्टेटमेंट पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को सौंप दें। इसे 1 जनवरी तक जमा कराना होगा। दरअसल नोटबंदी के दिन से ही विपक्षी पार्टियों ने एक सुर में बीजेपी पर वार करना शुरू कर दिया था कि सरकार ने नोटबंदी के आदेश के पहले ही अपनों को इसकी जानकारी दे दी थी, लिहाजा उन्होंने काला धन छुपा लिया और जो बचा उसे व्हाइट में तब्दील कर लिया। लेकिन अपनों के खाते बही का हिसाब देने के लिए कहकर मोदी ने विपक्ष पर करारा प्रहार कर दिया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का अपना दामन साफ है और उनको पता है कि मेरे मंत्री भी जो उन्होंने बनाए हैं उन पर भी उन्हें इतना विश्वास है कि उन्होंने कहा सब दीजिए, बिल्कुल दीजिए, हम और हम सब लोगों को खुशी है, हम तैयार हैं। साल भर पीछे का भी अपना अकाउंट देने के लिए और साल एक साल आगे का भी अपना अकाउंट देने के लिए हम लोग तैयार हैं, क्योंकि हम सबका दामन साफ है। मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो भारत सरकार है वर्तमान, वो पारदर्शिता रखना चाहती है। तो हम दूसरों से जो अपेक्षा कर रहे हैं हम सबसे पहले खुद करेंगे। और उन्होंने कहा कि 8 नवंबर के बाद 31 दिसंबर तक जो भी ट्रांजैक्शन बीजेपी के सांसदों, मंत्रियों, एमएलए के अकाउंट में है उसको 1 जनवरी को हम सभी दें। और सभी सांसदों ने इसका ध्वनि से, खूब करतल ध्वनि से इसका स्वागत किया। दरअसल कालाधन देश को दीमक की तरह चाट रहा है। सरकार इसके लिए कदम उठाती है तो इसे संसद से लेकर सड़क तक मुद्दा बनाया जाता है। लेकिन अपनों से हिसाब मांगकर पीएम मोदी ने जो दांव चला है उसके बाद बारी अब विपक्ष की है, जिन पर अपने अकाउंट का हिसाब देने का नैतिक दबाव होगा। गौरतलब है कि 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के नोट को लीगल टेंडर से बाहर कर दिया था। इसके बाद से अब तक बैंकों में 8 लाख करोड़ से अधिक की राशि जमा हो चुकी है। सरकार का दावा है कि नोटबंदी से काला धन सामने आएगा, लेकिन विपक्ष सरकार के इस फैसले से सहमत नहीं है। उसकी दलील है कि काला धन पर रोक तो ठीक है लेकिन नोटबंदी ठीक नहीं, यानी गुड़ खाए गुलगुले से परहेज। अब देखना यह है कि पीएम मोदी के इस मिशन क्लीन पर विपक्ष क्या रुख अख्तियार करता है। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। मोदी सरकार दूसरे को उपदेश देने में यकीन शायद नहीं करती, लिहाजा वो अपनों से भी हिसाब किताब मांगती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के सांसदों और विधायकों से कहा है कि वो पार्टी अध्यक्ष को 1 जनवरी तक अपनी बैंक डिटेल जमा कराएं। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि नोटबंदी के पहले ही सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को उसकी जानकारी दे दी गई थी। दरअसल ब्लैक मनी पर वार उसी दिन मोदी सरकार ने शुरू कर दिया था जिस दिन सत्ता संभाली थी, लेकिन विपक्ष अब भी मोदी सरकार के फैसले से नाखुश है। सवाल है आखिर क्यों, और क्या ये नहीं है मोदी का मास्टर स्ट्रोक? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। मेरे साथ संजीव मिश्रा है समाजवादी पार्टी से, डॉक्टर सुनील सिंह जुड़ेंगे जेडीयू से, डॉक्टर एमएस खान है स्पोक्स पर्सन बीएसपी के, सोमनाथ सिंह और आए हैं टीएमसी सपोर्टर मेरे साथ इस पैनल में, राकेश सिन्हा है आरएसएस थिंकर मेरे साथ इस पैनल में, इसके अलावा मेरे साथ सुधांशु मित्तल हैं लीडर बीजेपी, और चरण सिंह सापरा इस वक्त मेरे साथ इस पैनल जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। तो आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। और सवाल यह है कि क्या यह पीएम नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक है, इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा चरण सिंह सापरा, क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने सबसे ज्यादा कहा था और तमाम पार्टियों ने कहा था कि बीजेपी के लोगों को तो मौका मिल गया, उन्होंने तो अपना ब्लैक व्हाइट कर लिया, लेकिन बाकी सब लोगों को इस सरकार ने परेशान कर दिया। चरण सिंह सापरा, अब इस पर क्या रिएक्शन है कांग्रेस का? सभी विधायकों और सांसदों से कहा गया है कि 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक की सारी डिटेल पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के पास जमा कराई जाए। नहीं, ये मेरे ख्याल से महज एक और शगुफा है नरेंद्र मोदी जी का, एक और नौटंकी का प्रतीक है, क्योंकि तीन चीजें हैं इसमें। अगर आपको हिसाब मांगना ही है तो फिर वो आप 8 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर तक क्यों, फिर आप पूरे फाइनेंशियल ईयर का मांगिए, नंबर वन। नंबर टू, अगर आपको हिसाब मांगना ही है तो फिर केवल एमएलए या एमपी का क्यों, उनके पूरे परिवार का मंगाना चाहिए। नंबर थ्री, कि अगर हिसाब देना ही है तो अमित शाह कौन होते हैं वो हिसाब लेने वाले, वो क्या इनकम टैक्स के ऑफिसर हैं
या भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा सेल तैयार किया है कि जहां पे इनकम टैक्स के ऑफिसर बैठे हैं और वो स्क्रूटनी करेंगे? नहीं, ये तो चरण सिंह साबरा एक सवाल है कि अमित शाह क्या करेंगे उस डिटेल का, ये तो आने वाला दिया है या नहीं दिया है साबरा साहब? अमित शाह क्या करेंगे उस डिटेल का, ये तो पार्टी बताएगी, अमित शाह बताएंगे, आने वाला वक्त बताएगा। देना चाह रहा हूं, लेकिन ये तो आप लोगों ने कहा था ना कि नोटबंदी के बारे में बता दिया गया, तो क्या साल भर पहले से पता बता दिया गया था? इसलिए साल भर की डिटेल दें। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ये चीजें खुल के आई हैं कि बिहार में जो जमीनें खरीदी हैं इन्होंने 6 महीने पहले से खरीदने शुरू की हैं और उसमें से 60% पैसा कैश में दिया गया है। आज खबर निकली है कि ओडिशा में 18 जिलों में भारतीय जनता पार्टी ने जमीनें खरीदी हैं, उसमें भी 50-60% पैसा जो है वो कैश में दिया गया है। इसलिए हम ये सब, जहां तक मेरी जानकारी है उसका हिसाब दिया गया, लेकिन फिर भी मैं सुधांशु मित्तल से आपके सवाल का जवाब लूंगा। उड़ी और पठानकोट के अटैक की तहकीकात करने के लिए आप आईएसआई को कह रहे हैं, ये उस तरह से मामला हो गया। आईएसआई तो क्लीन चिट देगी उड़ी और पठानकोट को, उसी तरह से अमित शाह क्लीन चिट दे देंगे। ना तो सुधांशु मित्तल जी, सुधांशु मित्तल जी उनके पास में कोई औहदा है? सुधांशु मित्तल जी, सुधांशु मित्तल जी, आप सुन रहे होंगे कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन चरण सिंह साबरा क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि आपने पठानकोट हमले का जांच का जिम्मा आईएसआई को दे दिया। तो सवाल यह है कि क्या वाकई एक सवाल है कि अमित शाह साहब को क्यों दिया जाएगा डिटेल? अमित शाह उसको क्या करेंगे? क्या वो पब्लिक डोमेन में डिटेल आएगी? आपने देखा कि कितने आक्रोशित हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, और आक्रोशित क्यों ना हो, स्वाभाविक है। सालों साल जो भ्रष्टाचार का पैसा कांग्रेसियों ने इकट्ठा करा था वो एक झटके में जो है चूरन के नोट हो गए, तो आक्रोशित होना तो स्वभाव है। अब क्योंकि आक्रोशित है तो कुछ ना कुछ बोलने के लिए कुतर्क लिया जाए। पहले का भाजपा वालों ने जो है वो कर लिया था, वो उसका हिसाब दिखाए। तो वही प्रधानमंत्री ने कहा कि खाते जो हैं अपने वो सबके सामने रखे जाए, अध्यक्ष के। मैं तो इनसे कह रहा हूँ कांग्रेस अध्यक्षा जो है वो नैतिक बल दिखाए ना, कि अपने सारे जो विधायक हैं, सारे एमपी हैं, सारे जो पुराने मंत्री हैं उनसे मांग के दिखाएं ना, कहीं तो नैतिकता दिखाएं। ये कह रहे हैं साहब, ये एक हिंदी की कहावत है, या तो खाएंगे जी से नहीं तो जाएंगे जी से, या तो खाएंगे घी से नहीं तो जाएंगे जी से। अरे कहीं चालू तो करके दिखाओ। अभी तक नैतिकता के आधार पे तो हम एक नकारात्मक रवैया, भ्रष्टाचार के लिए तब हम नैतिकता, मैं देखिए मैं बीच में नहीं बोलता, मैं बीच में नहीं बोलता, सबरा साहब सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोलता, सबरा जी थोड़ा थोड़ा शिष्टाचार रखे, थोड़ा शिष्टाचार रखे, मैं बीच में नहीं बोलता। यहाँ प्रश्न क्या है? शिष्टाचार, यहाँ प्रश्न ये कि भ्रष्टाचार और काले धन पे एक लड़ाई, मैं थोड़ा बोल लूं, एक लड़ाई चालू हुई है। एक और देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, इसमें नेतृत्व जब इसका करा जा रहा है तो अपने स्वयं के उदाहरण से करा जा रहा है कि हमारा पाक साफ है और हमारे दामन में अगर कहीं किसी में खोटे तो उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। इसीलिए अपने एमएलए और अपने एमपी तुम अपने दिखाओ। अब ये कह रहे हैं अमित शाह को इनकम टैक्स के नहीं, लेकिन सुधांशु जी, जहां तक मेरी जानकारी, ये पहली बार नहीं कहा गया, इससे पहले भी पीएम की तरफ से कहा जाता रहा है मंत्रियों को या अपने विधायकों को, सांसदों के, कि संपत्ति की जानकारी दीजिए आप अपनी, सब तो तब भी नहीं देते, क्या इस बार हमें सारी जानकारी मिलेगी? नहीं, अब हर बार देते, कांग्रेस के सीएम भी मांगते रहे, कांग्रेस पार्टी भी मांगती रही है। मैं बोल लूं, खत्म कर लूं? हाँ जल्दी खत्म कीजिए। हमेशा ये व्यवस्था होती है कि जो मंत्री है, मंत्री अपना ब्यौरा जो है प्रधानमंत्री को जरूर देंगे, ठीक है वो हमेशा होता रहा है। लेकिन यहाँ तो किस स्तर तक गए, यहाँ गए हैं विधायक तक कि हिंदुस्तान में तमाम जितने विधायक है, ताकि किसी ने भी इस अवधि का दुरुपयोग करके काले को अगर सफेद करने की कोशिश करिए तो उसके खिलाफ नहीं सर, एक टेक्निकल पॉइंट है, मैं दूसरे पैनल के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले एक टेक्निकल पॉइंट है। हिम्मत दिखा, 8 नवंबर के बाद कोई क्यों करेगा सर? इनका तो आरोप है कि पहले से पता था, पहले से कर लिया आपने। अच्छा तो भैया उदाहरण तो दे दो। अभी इन्होंने कहा जमीन खरीदने की, शायद इनको जमीन का नहीं पता कि हमारे यहाँ एक निर्णय ये हुआ कि देश भर में जितने भी जिले हैं उन जिलों में भाजपा का स्थायी कार्यालय बनना चाहिए, और ये आज नहीं हुआ,
और साल भर से ये काम चला जा रहा है। आज इनको यकायक और कुछ नहीं मिला, कोई एक व्यक्ति नहीं मिला जिसपे लांछन लगा सके। एक अरविंद केजरीवाल ने उठा के महेश शर्मा जी पे लगाया, मुखी खाई, बेटी की शादी, बेटे की शादी को बेटी की कर दी उन्होंने, कहा मेरा ये रहे खाते सारे। आपने जमीन खरीदी तो किशनगंज, क्योंकि कुछ बचा नहीं तो इसलिए खुलेआम कहा कि 40 लाख रुपया जो है वो कैश में मिला है। तर्क होता है ये कुतर्क, आप क्यों इतना आक्रोश होते हैं? मैं तो नाम के साथ कह रहा हूँ, किशनगंज में जिस व्यक्ति से भारतीय जनता पार्टी बात सुन रहा हूँ, जमीन खरीद, मैंने आपकी बात जब सुनी, आपने मेरी बात सुनने का हक क्यों नहीं है? हिम्मत क्यों नहीं है? सुधांशु जी, मेरे पास और भी लोग हैं, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए 10 सेकंड में। भ्रष्टाचारी दूसरे की आवाज दबाने की कोशिश करता है। सपरा जी, सत्य सुनने की हिम्मत रखिए। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास सुधांशु जी, मैं आऊंगा आपके सपा साहब आ रहा हूँ, राकेश सिन्हा मैं आपके पास आऊंगा, एक मिनट रुकिए, राकेश सिन्हा इससे क्या फर्क पड़ जाएगा अगर बीजेपी के सारे विधायक, मैं आ रहा हूँ सर, एक मिनट रुकिए, सम्मानीय व्यक्ति हैं सर, आ रहा हूँ, राकेश सिन्हा इससे क्या फर्क पड़ जाएगा अगर बीजेपी के सारे विधायक और सांसद 8 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का अपना बैंक डिटेल दे देंगे? क्योंकि विपक्ष ने तो बड़ा आरोप लगाया है, सपरा साहब कह रहे हैं कि अब घर वालों की डिटेल मंगाइए, वो कह रहे हैं साल भर का डिटेल मंगाइए, और अमित शाह को क्यों दी जा रही डिटेल, पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आ रही? देखिए, पक्ष विपक्ष क्या कह रहा है इससे अलग हटकर मैं एक बात कह रहा हूं कि पिछले कई दशकों से भारत का सार्वजनिक जीवन में गिरावट आई है, उस गिरावट के कारण राजनीति में अनास्था पैदा हुई है। प्रधानमंत्री का यह कदम इतना रचनात्मक कदम है कि सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं वह आज की परिस्थिति में, मैं आज की परिस्थिति को कहता हूं, ये भारतीय राजनीति में आर्थिक जीवन में सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा का समय है, जिसमें हमारे जैसे सामान्य आदमी से लेकर भारत के प्रधानमंत्री सभी को आज सामान्य जन देश के प्रति जवाबदेही है। उस जवाबदेही में यह की गई कार्रवाई है, जब एक MLA, एक MP, एक मंत्री अपनी संपत्ति का ब्यौरा और लेन देन बैंक में जो उसने डिपॉजिट किया, जो उन्होंने विड्रॉ किया, इस दौरान उसकी घोषणा करता है। यदि कांग्रेस को आपत्ति है, कांग्रेस की मैं आपत्ति समझ रहा था कि MLA के तक ही क्यों सीमित है, देखिए जब कोई व्यक्ति घोषित करता है उसकी पत्नी आती है, उसके बच्चे आते हैं, ये स्वाभाविक होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की आप कंसेप्ट को समझ लीजिए। एक, यदि कांग्रेस को आपत्ति है तो कांग्रेस घोषित कर दे कि उसके सभी कार्यकर्ता ये पिछले एक साल की संपत्ति का ब्यौरा घोषणा करेंगे। मुझे लगता है काले धन के ऊपर जो कार्रवाई की गई है उस कार्रवाई से जितना घबराहट व्यवसायियों को नहीं है, उससे अधिक घबराहट भारत के राजनीति के कुछ राजनीतिक दलों को है, जिसमें कांग्रेस शामिल है, तृणमूल कांग्रेस शामिल है, RJD शामिल है, अरविंद केजरीवाल शामिल है, चूंकि इनकी पूरी राजनीति काले धन पर है, राजनीति काले धन का, और बात करते थे सुचिता की, आज सुचिता इनकी चुनौतीपूर्ण है, इन्हें ये बैंक के नहीं, बैंक से बाहर राजनीति करते थे, आज इनको इनको चुनौती मिल रही है। एक और बात मैं इनको कहना चाहता हूँ, देखिए राम मनोहर लोहिया के पास, जयप्रकाश नारायण के पास, दीनदयाल उपाध्याय के पास बैंक अकाउंट नहीं होता था, आज बैंक अकाउंट आवश्यकता पड़ गई, राजनीतिकों के पास बैंक अकाउंट है। तो आज नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसला किया है वो फैसला सिर्फ MLA MPs के लिए नहीं है, हमारे जैसे सामान्य नागरिक को भी अपनी घोषणा करनी चाहिए कि इस दौरान हमने बैंक से क्या लेन देन की है, हमने कितने पैसे को चेंज किया है, एक्सचेंज किया है, हमने कितने पैसे, तो आप ये कह रहे हैं कि केवल सत्ताधारी पार्टी के सांसदों और विधायकों की जिम्मेदारी नहीं है, राजनीतिक जीवन में रहने वाले हर किसी की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बैंक डिटेल्स या अपनी डिटेल्स लोगों के सामने रखे। मैं एक बात, मैं एक पंक्ति में मैं बात समाप्त कर दूं, मुझे लगता है भारत के प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, जब उन्होंने अपने पार्टी के लोगों के लिए कहा है तो संभवतः प्रधानमंत्री के रूप में सभी पार्टी के लोगों को इसको फॉलो करना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों को कल के बाद 10 दिनों के अंदर अपने सारे ब्यौरा को अपने वेबसाइट पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, जहां भी चाहे डालना चाहिए, यह सार्वजनिक जीवन में शुचिता के लिए बढ़ाया गया बड़ा एक रचनात्मक कदम है। ठीक है सर, आप मेरे साथ रहिए, मेरे साथ 3 और पैनलिस्ट हैं, एक पश्चिम बंगाल से, 2 और उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश के लिए आज के जो नतीजे हैं गुजरात के निकाय चुनावों के या महाराष्ट्र के जो निकाय चुनावों के हैं वो क्या कहते हैं, इस सवाल को लेते मैं अपने उत्तर प्रदेश के 2 पैनलिस्ट के पास आऊंगा, संजीव और MH खान साहब आपके पास, लेकिन उससे पहले मैं आपके पास आता हूं, जो हमारे TMC के पैनलिस्ट हैं सोमनाथ सिंह रॉय। सोमनाथ सिंह, अब आपके पास क्या तर्क है? पहला,
कि प्रधानमंत्री अगर अपने विधायकों और सांसदों से बैंक डिटेल मांग रहे हैं और मुझे लगता है कि वो मांगी जा रही है तो वो पार्टी में नहीं शायद पब्लिक डोमेन में आएगी, आने वाला वक्त बताएगा कि पब्लिक डोमेन में आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन एक और दूसरा सवाल कि गुजरात और महाराष्ट्र के निकाय चुनावों का मतलब आप क्या निकालते हैं, क्योंकि ये दोनों चुनाव डीमोनेटाइजेशन के बाद हुए हैं और दोनों चुनावों में सत्ताधारी पार्टी को बीजेपी को भारी जीत हासिल हुई है। हाँ बोलिए सोमा सिंह, आपकी आवाज आ रही, साथ ही हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि क्या ब्यौरा मांगा गया, आप बोलिए। हाँ मैं ये बात कहना चाहता हूँ, इलेक्शन का रिजल्ट आने से क्या होगा, कल से किसी को लाइन पे बैंक लाइन पे खड़ा नहीं पूछना पड़ेगा क्या? मैंने वो नहीं पूछा, कल से कोई लाइन पे खड़ा, लोगों को दिक्कत हो रही है, लोगों ने भारी बहुमत से उसी पार्टी को जिताया है जिसने ये डिसीजन लिया है, मेरा ये सवाल है। अरे यही तो बोल रहा हूँ, अगर ये बात है तो वेस्ट बंगाल में कुछ दिन पहले इलेक्शन हुआ, वहां पर तो उसका अगेंस्ट वोट हुआ, ये मतलब कहां से हो रहा है जी, वहां पर इलेक्शन जीता है इसीलिए ये सपोर्ट कर रहा है, मोदी का जो डिसीजन है इसको सपोर्ट कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, ऐसा नहीं होता है, ये इलेक्शन शिवसेना भी था, एक मिनट शिवसेना भी था, शिवसेना भी इसका अगेंस्ट है, मोदी का जो डिसीजन उसका अगेंस्ट है, शिवसेना उसका गठबंधन में है, तो कैसे आप लोग ये डिसीजन ले रहे हैं, वो इलेक्शन का रिजल्ट हो रहा है जो ये नोटबंदी का खिलाफ है, क्या पब्लिक फॉर्म में है, ऐसा डिसीजन नहीं, एक मिनट सोमनाथ सिंह, मैं सुधांशु मित्तल आ रहा हूं।